हेलो हेलो वेलकम दोस्तों, मैं हूँ किरण, आप सबका दोस्त और होस्ट। दोस्तों बहुत समय के बाद ही वीडियो बना पा रहा हूँ क्योंकि मेरे को टाइम वगैरह नहीं मिलता था वीडियो बनाने के लिए। बट सैमसंग कंपनी हमारे नज़दीकी जो स्टोर वगैरह है, सैमसंग बड़े स्टोर है, तो उन्होंने मुझे कॉल करके बताया था कि भाई 850 जो है सैमसंग का तो आ चुका है, आके उसको अनबॉक्सिंग कर लो। तो मैंने स्टोर में गया, उसको अनबॉक्सिंग किया, उस वाले वीडियो को देख लो उसके बारे में क्या क्या मैंने मेरा थाट क्या है A5 के बारे में। सैमसंग जो लॉन्च किया है, इसमें जो वाइल्ड एंगल का कैमरा है, जो भी कैमरा क्वालिटी इसमें है, देख लो पहले रिव्यू, उसके बाद मैं बताऊंगा वीडियो के एंड में कि इस वाले फ़ोन के ऊपर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस अनबॉक्सिंग के वीडियो को दोस्तों। तो ये हमारे सामने दोस्तों सैमसंग का A50 का बॉक्स, जिसको हम ओपन करने वाले हैं। ओपन करते ही आपके सामने आपका जो नॉर्मल टाइप का वही फ़ोन दिख जाता है, उसको रखते हैं साइड में, इसके बारे में बात करेंगे। बॉक्स के अंदर की बात कर लूँ तो आपको एक सी टाइप केबल मिल जाता है इसको साइड में, और नॉर्मल टाइप का आपको ईयरफोन मिल जाता है, और सिम इजेक्टेड टूल और एक फास्ट चार्जर आपको एक मिलता है, जो कि मुझे लगा एक फास्ट चार्जिंग के लिए बहुत ही बढ़िया है। आपको इसमें बहुत अच्छी फास्ट चार्जिंग मिलेगी, इसको रखते हैं साइड में। अब देख लेते हैं फ़ोन में आपको क्या खास इसमें देखने को मिलता है यहाँ पे दोस्तों। तो बॉक्स में से निकालने के बाद फ़ोन इस टाइप का दिखता है। पीछे की तरफ आपको तीन कैमरे यहाँ से देखने को मिलते हैं, जो कि है एक बहुत ही बढ़िया कैमरा देखने को मिलता है पीछे की तरफ, जिसमें आपको नॉर्मल 25 मेगापिक्सल का लो लाइट, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा व्यू, उसके 5 मेगापिक्सल का लाइव फोकस देखने में। तो अंदर की तरफ मैंने इसको बूट कर लिया है। बूट करने के बाद बाकी कैमरे क्वालिटी अगर बात की जाए, कैमरे क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। इसका अल्ट्रा एंगल जो व्यू है 123 एंगल व्यू है। फ्रंट कैमरे की अगर बात की जाए बहुत ही ज़बरदस्त है, और अल्ट्रा व्यू जो मैंने बोला अल्ट्रा व्यू बहुत ही बढ़िया है। इसको मैंने टेस्ट वगैरह किया है, जो कि मुझे लगा एक बहुत ही अच्छा इसमें कैमरे के अगर हिसाब से देखा जाए, जो कैमरे क्वालिटी दी गई है बहुत ही बढ़िया क्वालिटी दी गई है। बाकी अगर सेटिंग की अगर बात की जाए, सेटिंग के अंदर आपको देखने मिला नॉर्मल इसका जो इंटरफेस इस टाइप का आपको देखने मिलता है। सेटिंग अगर चले जाता हूँ तो अलग अलग टाइप के इसमें नॉर्मल और बेसिक टाइप का सेटिंग इसमें देखने को मिलता है। और बैटरी कैपेसिटी की इसमें बात की जाए तो 4000 mAh की इसमें बैटरी दी गई है, और रैम और स्टोरेज की अगर बात की जाए दोस्तों, यहाँ 4GB 64GB 6GB और 64GB दो वेरियंट में आता है। और प्रोसेसर की अगर बात की जाए तो एक्जीनो 9610 का इसमें प्रोसेसर लगा हुआ है, और ये एंड्रॉयड पाई में ये रन करता है, जो कि इंटरफेस मुझे जहाँ लगा अच्छा लगा। बैक की तरफ देखा जाए मुझे ये वाइट कलर में मिला था, बट अब नॉर्मल अगर ब्लैक और ग्रेडियंट टाइप का ढूंढते हैं तो मिल जाता है, क्योंकि इसमें ब्लैक, ब्लू, वाइट एंड ब्लू तीनों कलर में ये अवेलेबल है। बाकी डिस्प्ले क्वालिटी की अगर बात कीजिए, ऊपर की तरफ आपको वाटर ड्रॉप देखने को नॉच मिल जाता है, जो कि लुक वाइज बहुत ही बढ़िया दिखता है, और सेम मैं बताऊँ बहुत ही अच्छा काम करता है। चार्जिंग की अगर मैंने इसमें बात की, इसमें आपको 5 वोल्ट का फास्ट चार्जर मिलता है, और साइड में अगर देखा जाए यहाँ सिम इजेक्टेड है, टूल है, आपको सिम यहाँ से निकाल के आप कर सकते हो। ऊपर की तरफ आपको नॉर्मल टाइप का मिल जाता है, और यहाँ आपको वॉल्यूम अप डाउन और पावर अप बटन का मिल जाता है। और नॉर्मल इसके ओएस की अगर बात की जाए तो एंड्रॉयड पाए और खुद का मतलब सैमसंग का जो यूआई है इसमें डाला गया है। बाकी इंटरफेस की बात की जाए और फ़ोन के ओवरव्यू की अगर बात की जाए, इसमें बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की फ़ोन मुझे जहाँ तक लग रही है। बट इस बता दूँ जो प्राइस रेंज के अंदर रखा गया, 20,000 रखा गया, इसे प्राइस उतना है नहीं फ़ोन का, जो देखा जाए उतना है नहीं फ़ोन का प्राइस देखा जाए तो। बाकी क्योंकि अभी रिसेंटली जो लॉन्च हुआ है, मतलब MI का जो 7 है, 7 Pro जो लॉन्च हुआ है, वो 7 है 7 Pro दोनों जहाँ तक मुझे लगा बहुत ही बढ़िया लगता है इसकी, मतलब इसके इस रेंज के अंदर, इस मतलब रेंज नहीं बोलूँगा, इस फीचर स्पेसिस के अंदर वो वाला फ़ोन ज़्यादा अच्छा। अब कैमरे क्वालिटी अगर यहाँ देखो तो मैं आपको जूम करके दिखा दूँ, मेरा दोस्त है, तो पीछे की तरफ देखोगे ब्लर इफेक्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। कैमरे क्वालिटी अगर बात की जाए बहुत ही सैमसंग का बहुत ही अच्छा क्वालिटी मिलता है, कि सैमसंग के सारे दोस्त हैं मेरे, उन्होंने बुलाया था रिव्यू के लिए, तो मैं उनके स्टोर में गया था रिव्यू करने के लिए, ठीक है। तो बाकी क्वालिटी वाइज बता दूँ और प्राइस बता दूँ, ठीक ही ठाक फ़ोन है, ठीक ठाक नहीं है, मतलब प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो ठीक ठाक फ़ोन है, क्योंकि इस प्राइस रेंज के अंदर आपको बहुत सारे फ़ोन मार्केट में अवेलेबल मिल जाते हैं। और लेटेस्ट जो आने वाला है नहीं आया अभी तक, लॉन्च हो चुका है MI का जो 7 और 7 Pro है, इसके ऊपर आप जा सकते हो। वाइल्ड एंगल उसमें नहीं दिया गया, बट इसमें कैमरा क्वालिटी अगर बात की जाए 25 मेगापिक्सल का जो दिया गया है बहुत ही बढ़िया दिया है। फ्रंट में आपको 25 मेगापिक्सल मिलता है, बट बाकी क्वालिटी वाइज देखा जाए अच्छा है। रियल कैमरा आपको 25 मेगापिक्सल मतलब 1.7
फोकस ऑटो फोकस मिल जाता है अच्छा खासा, एक एपेचर के साथ मिल जाता है, 1.5 एपेचर में मिल जाता है। और बाकी की क्या बात करूँ, सैमसंग है बट उस प्राइस रेंज के अंदर ये लेके नहीं आता, इसीलिए थोड़ा अलग है। और डिस्प्ले में आपको ये सुपर एमोलेड डिस्प्ले इन्फिनिटी यू टाइप का मिलता है, जो वाटर ऑफ नॉच है वो मिल जाता है। बाकी क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया सैमसंग की ओर से, बट थोड़ा प्राइस थोड़ा कम रखते तो मार्केट में ये चल भी सकता है, क्योंकि सैमसंग लवर्स हैं बहुत सारे, तो सैमसंग का ये फ़ोन लेने में कोई किसी को कोई तकलीफ होगा नहीं। इस वाले फ़ोन के ऊपर मैं भी जा सकता हूँ, बट अभी रेकमेंड करूँगा कि थोड़ा रुक जाओ 7 प्रो के लिए। ये वाले फ़ोन के अगर रुकना नहीं है आपको, अभी भी परचेज करना है, तो इस वाले फ़ोन के ऊपर आप ज़रूर से जा सकते हो। मेरे हिसाब से देखा जाए इस फ़ोन में जो फीचर्स दिए गए हैं अच्छे खासे दिए गए हैं, बट स्नैपड्रैगन का कोई प्रोसेसर नहीं दिया गया, ये इसमें थोड़ा मुझे खटक रहा है। बाकी एक्जीनो का दिया गया 9610, बट स्नैपड्रैगन प्रोसेसर देना चाहिए सैमसंग का, ये थोड़ा ख़राब ही लगता है, मतलब कोई चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं करता है। बाकी अपना ये UI देता है और एक्जीनो का या कुछ ऐसा दे देता है, इसमें स्नैपड्रैगन का कोई प्रोसेसर नहीं दिया गया। बट फ़ोन का ओवर की बता दूँ, अच्छे खासे प्राइस भी दी गई है, 20,000 के अंदर ही आते हैं आपको। 4GB और 64GB वेरिएंट में आप जा सकते हो, 6GB उतना हाई रेंज में आ जाएगा आपका, बट इस प्राइस रेंज के और मिड रेंज के अंदर अगर देखा जाए तो ये वाले फ़ोन के ऊपर आप जा सकते हो, क्योंकि उसके जो कैमरा क्वालिटी, फीचर्स और सॉफ्टवेयर जो है बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों इस वाले अनबॉक्सिंग का वीडियो आप सबका पसंद आया होगा और अच्छा भी लगा होगा, नए तरीके से दिया हूँ। तो अब इसमें बता दूँ मेरिट और डीमेरिट क्या है, इस फ़ोन को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। दोस्तों पहले ये बता दूँ क्यों नहीं लेना चाहिए, इसलिए नहीं लेना चाहिए कि जो प्राइस दी गई है, जो सॉफ्टवेयर और जो सब दी गई इस प्राइस रेंज के अंदर, अभी जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है रेडमी का 7 और 7 प्रो, उसमें प्राइस रेंज के बेहतरीन आपको डिज़ाइन सब कुछ मिल जाता है। पर क्यों लेना चाहिए बता दूँ, क्योंकि इसमें जो कैमरा क्वालिटी दी गई है, वाइड एंगल दी गई है, ज़बरदस्त है। क्योंकि क्वालिटी अगर की बात की जाए, ब्लर इफेक्ट पीछे की तरह जो ब्लर इफेक्ट होता है जो आपने वीडियो में देखा, तो बहुत ही अच्छा एक ब्लर इफेक्ट देता है। क्वालिटी की बात की जाए सैमसंग कैमरा क्वालिटी के पीछे नहीं हटता है। और अगर डिस्प्ले क्वालिटी की अगर बात की जाए, इन्फिनिटी यू डिस्प्ले जो दी गई है बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले है। इसमें आपको 4K वीडियो या इसकी ज़्यादा भी वीडियो चला के देखो, बहुत ही ज़बरदस्त दिखती है और अच्छी चलती भी है। मैंने वीडियो के एंड में भी थोड़ा सा एक क्लिप डाला है 4K वीडियो का, ठीक है। तो जब ये मैंने फ़ोन देखा पहली बार तो एक ठीक ठाक ही फ़ोन लगा। बाकी आपके हिसाब से देख लो, अगर आप सैमसंग के लवर हो तो इस वाले फ़ोन के ऊपर आप जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि फ़ोन ख़राब नहीं है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं है फ़ोन, कि ऐसा नहीं कि भैया हाँ ये फ़ोन लेना ही नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। बट फ़ोन जो प्राइस रेंज के रखा गया, अगर इसको 15 या 14.5 या 16 के अंदर भी रख देते तो मार्केट में मतलब धूम मचा था ये वाला फ़ोन। अगर 20,000 के ऊपर रखे हो तो उसके मतलब अकॉर्डिंग और भी सारे फ़ोन मार्केट में अवेलेबल हैं 20 के ऊपर अगर देखा जाए तो। और इस वाले फ़ोन में अगर बात की जाए सब कुछ ठीक है। अगर ये वाला फ़ोन आपको सब परचेज करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से जाकर परचेज कर सकते हो, या अपने नज़दीकी स्टोर सैमसंग के कोई भी स्टोर से जाके इसको बाय कर सकते हो। अगर ये वाला वीडियो आप सबको पसंद आया अनबॉक्सिंग का वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर लेना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इस चैनल में हर रोज़ नहीं होता है, थोड़ा लेट हो गया, मतलब लेट बहुत लेट हो गया वीडियो बनाने, बट इस चैनल में अच्छा अच्छा एक टॉपिक के रिलेटेड मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। ऐसा नहीं कि हर कोई ऐसे ऐसे वीडियो बनाता रहता हूँ, जो भी है ट्रेंडिंग के मतलब जो टॉपिक मतलब वैल्यूएबल है उसके ऊपर मैं बनाता हूँ, वैल्यू जो रहता है आपके मतलब सीखने की चीज़ है वही चीज़ मैं बनाता हूँ। तो आशा करने वाला वीडियो आप सबको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को अगर पसंद आएगा तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना, और अपने दोस्तों को बोलना कि चैनल सब्सक्राइब करें, और चैनल को जोर से शेयर कर दो, जल्दी से मैं सब्सक्राइबर बढ़ जाओ, अपने फैमिली को थोड़ा ग्रोथ कर लो। मिलता हूँ अगले ऐसे इंटरेस्टिंग ऑल ओवर टेक रिलेटेड एवरीडे को या अनबॉक्सिंग के वीडियो में दोस्तों, या गेम रिलेटेड कोई वीडियो में दोस्तों। फिलहाल के तो गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।